सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सुनील और स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। सो दोस्तों, अभी जैसा कि आप लोग देख सकते हो भाई, बैग वगैरह मैंने जो है डाल दिया अपना, एंड इधर की साइड में भाई अपनी दुकान है। तो अभी जस्ट मैंने जो है वर्कशॉप से छुट्टी की है। तो अभी आज का जो वीडियो दोस्तों होने वाला है वो उन लोगों के लिए है जो जोमेटो पर काम करना चाहते हैं या फिर जोमेटो पर काम करने का विचार बना रहे हैं। दोस्तों, उनके दिमाग में ये डाउट है कि भाई किस प्रकार से जो है रेस्टोरेंट से ऑर्डर लिया जाता है, किस प्रकार से फर्स्ट डे मतलब जोमेटो के अंदर ऑनलाइन हुआ जाता है। तो सारा कुछ आज इस वीडियो में प्रोसेस बताने वाला हूँ, कैसे आपको जो है ऑनलाइन होना है जोमेटो के अंदर फर्स्ट टाइम, एंड किस प्रकार से आपको जो है रेस्टोरेंट से जो है ऑर्डर पिकअप करना है, और कैसे आपको फर्स्ट ऑर्डर पिकअप करके जो है ड्रॉप लोकेशन पर जो है ड्रॉप करना, उस ऑर्डर को डिलीवर करना है। तो दोस्तों, सारा प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो के साथ शुरू से लेकर एंड तक बना रहे। फिलहाल दोस्तों, मैं अपने जोन के अंदर नहीं हूं। फिलहाल मेरा जोन यहां से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। 3 किलोमीटर जाने के बाद मैं जो है सर्कल के अंदर जाऊंगा, मतलब मेरे जोन के अंदर जाऊंगा और वहां से लॉग इन हो पाऊंगा। तो अभी चलते हैं सीधे जोन में। और दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहली चीज आप लोगों को बता दूं, ये फर्स्ट स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि दोस्तों आपको जो है लॉग इन होने के लिए जोन के अंदर जाना पड़ेगा। डिस्प्ले पे आप लोग देख सकते हो, साइड में स्क्रीनशॉट आपको दे दे रहा हूं। तो कुछ इस प्रकार का जो है सर्कल बना हुआ आता है। अगर आप लोग जो है सर्कल के अंदर होते हो तो आप जोन के अंदर होते हैं और वहां से जो है आप काम करना शुरू कर सकते हो। आप लोग जो है उस सर्कल के अंदर रहते हो तो वहां से ऑनलाइन हो सकते हो, ठीक है। और अभी अपन जा रहे हैं भाई सर्कल में ही, अपने जोन के अंदर ही। सबसे पहले जोन के अंदर जाते हैं और आप लोगों को बता दो किस प्रकार से आपको जो है लॉग इन करना है जोमेटो के अंदर, किस प्रकार से ऑनलाइन होना है। उसके बाद दोस्तों, आप लोगों को बताऊंगा किस प्रकार से आपको ऑर्डर पिकअप करना है रेस्टोरेंट का, कैसे ऑर्डर को कन्फर्म करना है, ऑर्डर को लेना है, सारा कुछ प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले जोन के अंदर चलते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं। दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूं अपने जोन के अंदर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, अभी आप लोगों को जोमेटो खोल के दिखाता हूं भाई मैं जो है जोन के अंदर हूँ या नहीं हूँ, आपको कंफर्म करवाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे नीचे के और स्क्रॉल करूँगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई, एक छोटा सा बिंदु दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। फ़ोन के अंदर भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है तो वहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो है जोन के अंदर हूँ, ये मेरा सर्कल है कुल मिला के। मैं जूम आउट करके बताता हूँ, आप लोग देख सकते हो लगभग मैं जोन के किनारे के अंदर हूँ, बट हाँ अंदर हूँ दोस्तों, आप लोग देख सकते हो जूम करता हूँ। तो अभी मेरी एंट्री हो चुकी है और मैं यहाँ से जो ऑनलाइन हो सकता हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ऊपर की तरफ ने ऑफलाइन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर टच करूँगा तो यहाँ पर ऑनलाइन होने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर बता रहा है कि भाई बिना मास्क और हेलमेट के फ़ोटो क्लिक करें, क्लिक करते समय सामाजिक दूरी का पालन करें, ठीक है। तो चलिए मैं मास्क उतारता हूँ एंड एक फ़ोटो जो है डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई, टैप करने का ऑप्शन मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे जो है फ़ोटो खींच लिया, अभी जो है सेल्फी को अपलोड करता हूँ। तो कितना समय लगता है? थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि भाई जो है डिटेक्ट करेगा पहले सेल्फी को, अंधेरे में है तो भाई अंधेरे में थोड़ा डिटेक्ट करेगा, उसके बाद जो है कन्फर्म करके ये अपलोड हो जाएगी। तो अभी अपलोड हो रही है तो प्रोसेस ले रहा है। अभी आप लोग देख पा रहे भाई सबमिट हो रही है। तो फाइनल दोस्तों, अगला स्टेप जो है हमें क्या करना है, पहले मतलब जो है बिना मास्क की सेल्फी नहीं मांगता था, बट अब मांग रहा है दोस्तों सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। तो जोमेटो देखना चाहता है कि भाई जो है काम कर रहा है वो खुद ही राइडर है, मतलब जो हमारी आईडी बनी हुई है वहाँ पे फोटो डाला हुआ है पहले से, तो ये कन्फर्म करने के लिए देखता है। तो अभी जो है एक सेल्फी मांगी जा रही है बैग के साथ, तो मैं जो है बैग के साथ ये एक सेल्फी दे देता हूँ फिलहाल दोस्तों। हाँ, अभी कन्फर्म हो गई, ठीक है। तो अभी जो है बैग की भी सेल्फी जो है कंफर्म हो गई, बट अभी जो है अपलोड करनी है सेल्फी डाले, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों, अभी मैं जो है ऑनलाइन हो गया। आप लोग देख पा रहे हो भाई, ऑर्डर ढूंढे ऊपर जो है ऑप्शन आ रहा है, तो अभी ऑर्डर ढूंढ रहा है। तो अभी यहाँ पे आसपास में कोई रेस्टोरेंट है नहीं दोस्तों, और है तो अभी बहुत ही कम रेस्टोरेंट है, गिनी चुनी, हो सकता है जोमेटो के साथ जुड़ी हुई है या नहीं है। तो अभी चलते हैं अपन रतनाडा की तरफ, रतनाडा चौराहे की तरफ, और वहाँ पे जो है रेस्टोरेंट बहुत सारी है और मुझे हर ऑर्डर वहीं से मिलते हैं। तो चलते हैं और मिलते हैं आप लोगों से रेस्टोरेंट लोकेशन पर, फर्स्ट ऑर्डर पर मिलते हैं आप लोगों को। जब फर्स्ट ऑर्डर आएगा तब किस प्रकार से ऑर्डर को पिकअप किया जाता है, तो फर्स्ट ऑर्डर आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा किस प्रकार से ऑर्डर को कन्फर्म करना है एंड किस प्रकार से रेस्टोरेंट लोकेशन से पिकअप करना है। चलिए दोस्तों, अभी चलते हैं सिटी साइड में। तो दोस्तों, अभी जो है मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर मेरा जो आ गया, तो साइरन बजा भी फोन के अंदर, मेरे पास कोई ब्लूटूथ वगैरह है नहीं। तो आप लोग देख सकते हो भाई, श्री पोकर स्वीट होम से मेरे पास जो है फर्स्ट ऑर्डर आया है, और 2 किलोमीटर का जो है पिकअप डिस्टेंस है, उसके बाद भाई ड्रॉप डिस्टेंस है 5 किलोमीटर का, तो 41 रुपये का ऑर्डर है। जब दोस्तों आपके पास जो है फर्स्ट ऑर्डर आएगा तो कुछ इस प्रकार का जो है साइरन बजेगा, एंड साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पर जो है एक सर्कल दिखेगा। ये सर्कल दोस्तों 1 मिनट का होता है, 1 मिनट चलता है, एंड उसके बाद अगर 1 मिनट के अंदर आप लोग जो है ऑर्डर कन्फर्म नहीं करते, तो अगर कोई आपके आस पास मतलब कोई राइडर होता है तो उसके पास चला जाता है। अगर दोस्तों आपके पास कोई राइडर नहीं होता तो ऑर्डर वापस आप ही के पास आता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपको अगला स्टेप क्या करना है, अभी दोस्तों आप लोग देख सकते हो, ये सर्कल खत्म होने के बाद भी ये ऑर्डर मेरे पास ही आ रहा है, क्योंकि मेरे आसपास कोई राइडर नहीं है। तो सिंपली आपको नीचे यहाँ पे जो है ऑर्डर स्वीकार करें कंफर्म करने का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली यहाँ पे आपको ऑर्डर लेने के लिए इसको स्वाइप कर लेना है, ठीक है। स्वाइप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, आप लोग देख सकते हो, बाटी सर्कल रतनाडा जोधपुर, यहाँ पे रेस्टोरेंट का लोकेशन दिखा रहा है। अगर आप लोग रेस्टोरेंट को जानते हैं तो मैं आपकी सहायता लेने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपली आपको जो है चले जाना रेस्टोरेंट पे, ठीक है। अगर नहीं जानते तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको जो है
रेस्टोरेंट पर कॉल करने का भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर आप लोगों को रेस्टोरेंट नहीं मिलती है तो आप कॉल कर सकते हो। यहाँ पे मैप का सिस्टम दिया हुआ, आप लोग देख सकते हो, मैप पर जाइए। तो सिंपली मैं मैप को क्लिक करता हूँ, ठीक है। रेस्टोरेंट वैसे तो मैं जानता हूँ, लेकिन आप अगर नहीं जानते तो इस प्रकार से टैप करेंगे। टैप करने के बाद भाई आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो है डायरेक्शन दे दिया, ठीक है। सीधा सीधा मेरे को जाना है और रोड भी भाई बिल्कुल सीधी है, ठीक है। सीधा सीधा जाऊँगा तो सीधा मतलब मेन रोड पर ही है पोकर स्वीट। तो चलते हैं, उसके बाद रेस्टोरेंट पर जाने के बाद आगे का क्या प्रोसेस है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। स्टेप बाई स्टेप सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ, बस वीडियो के साथ शुरू से लेकर एंड तक बने रहे, सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएगी, किसी से पूछने की जरूरत नहीं रहेगी। फाइनली दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ रेस्टोरेंट लोकेशन पर, आप लोग देख सकते हो सामने की तरफ है भाई पोकर स्वीट। एंड अभी यहाँ से मैप भी बंद हो गया, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे रेटिंग मांग रहा है, तो यहाँ पे 5 स्टार देते हैं क्योंकि बराबर लोकेशन पर हमको पहुँचा दिया। अभी बैक जाते हैं, आगे का प्रोसेस क्या करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है दोस्तों पिकअप लोकेशन पर पहुँच गया, तो इसको स्लाइड करना है सिंपली आपको, ठीक है। पिकअप लोकेशन पर पहुँचने के बाद अभी ऑर्डर रेडी है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे टाइम भी बता रहा है 2 मिनट में ऑर्डर पिकअप करें, मतलब 3 मिनट में, ठीक है। टाइम 3 मिनट बता रहा है, 2 मिनट और 54 सेकंड। अभी ओके पिकिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, रेस्टोरेंट के अंदर जाना है आप लोगों को। 0023 0023 पिछली बार आपने चैनल सब्सक्राइब किया ना मेरा, है ना, 0023। तो कुछ इस प्रकार से आपको 4 संख्या के पीछे की तरफ कोड दिखाई देगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये बताना रेस्टोरेंट पे। सो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो भाई ऑर्डर मैंने जो है पिकअप कर लिया यहाँ से, मतलब पिकअप अभी किया नहीं है बट ऑर्डर मैंने यहाँ से ले लिया। आगे क्या प्रोसेस करना है डिस्प्ले पे आप लोगों को बताता हूँ। मैंने जो है ऑर्डर डाल दिया थैले के अंदर, एंड अभी यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ। सिंपली यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये ऑप्शन लिखा हुआ है पिक करो ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे स्लाइड कर लेना आप लोगों को, ठीक है। स्लाइड करने के बाद आप रेस्टोरेंट को मतलब रेटिंग दे सकते हो, ठीक है। रेटिंग देने के बाद जमा करें, इस पर क्लिक करना है, उसके बाद आगे का प्रोसेस क्या करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई ड्रॉप लोकेशन के लिए मैप का ऑप्शन आ रहा है, मैप पर जाए, ठीक है। यदि आप लोग ड्रॉप लोकेशन जानते हैं तो वहाँ पर जा सकते हो, अगर नहीं जानते हो तो मैप की सहायता ले सकते हो। तो यहाँ पे जो है एक ड्रॉप लोकेशन पर पहुँच गए, यहाँ पे स्लाइड नहीं करना है बिल्कुल भी आपको, बिल्कुल भी अगर आप लोग कस्टमर लोकेशन तक नहीं पहुँचे तो, ठीक है। सिंपली आपको मैप की सहायता लेना है, तो अभी मैं मैप की सहायता लेता हूँ और चलता हूँ भाई कस्टमर लोकेशन तक, और उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ आगे का प्रोसेस क्या करना है। दोस्तों अभी जो मेरे हाथ में ऑर्डर है ना, जो ऑर्डर ले जा रहा हूँ मैं, ये लॉन्ग डिस्टेंस ऑर्डर है। और लॉन्ग डिस्टेंस ऑर्डर में होता क्या दोस्तों, इसमें जो है लंबी दूरी होती है, उसके साथ साथ दोस्तों जो है जो पे आउट बनता है, जो पैसा बनता है वो ज़्यादा बनता है ना। जो छोटे छोटे ऑर्डर 20-30 रुपये का ऑर्डर होता है उसमें मतलब टाइम भी ज़्यादा लगता है भाई, जाना कस्टमर को कॉल करना, फिर ऑर्डर रेस्टोरेंट से लेना, फिर कस्टमर को कॉल करना, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा समय बर्बाद होता है। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस ऑर्डर में एक ही ऑर्डर में आपका जो है 50-60 रुपये 70 रुपये या 100-100 रुपये तक भी बन जाता है, मतलब जितना डिस्टेंस होता है उस हिसाब से। सो दोस्तों अभी मैं जो है कस्टमर लोकेशन पर पहुँच गया और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो है मैप भी यहाँ पे आके रुक गया, ठीक है। तो यहाँ पे 5 स्टार देंगे मैप को, उसके बाद हम पीछे चलते हैं। अगला स्टेप क्या करना आप लोगों को, सिंपली लोकेशन यहाँ पे बंद हो गया, ठीक है। कभी कभार मैप आगे पीछे कर लेता है रास्ता लोकेशन के थ्रू, अगर जाते हो तो मैप के थ्रू, ठीक है। तो 100 मीटर इधर या 50 मीटर इधर हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ पे तो बिल्कुल मतलब रास्ता बंद हो रहा है, तो यही करें लास्ट। सिंपली यहाँ पे अगला स्टेप ये करना है, ड्रॉप लोकेशन पर पहुँच गए, ठीक है। यहाँ पे पहुँचने के बाद आपको कस्टमर को कॉल करना है, तो यहाँ पे जो है कस्टमर को कॉल करते हैं, ठीक है। कॉल करने के बाद आपको जो है कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर कर देना है, ठीक है। तो अभी कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर करते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से बात करता हूँ। सो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कैसे जो है जोमेटो का फर्स्ट ऑर्डर पिकअप किया जाता है और किस तरह से मतलब रेस्टोरेंट से पिकअप करके ऑर्डर को कस्टमर लोकेशन तक डिलीवर किया जाता है। सारा प्रोसेस मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता दिया, एंड होप सो आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। और जितने भी मेरे नए राइडर्स भाई लोग हैं जो जोमेटो के अंदर ज्वाइन होना चाहते हैं एंड उनके मन में जो डाउट्स था वो क्लियर हो गए होंगे कि भाई कैसे जो है फर्स्ट ऑर्डर डिलीवर किया जाता है, कैसे रेस्टोरेंट से जो ऑर्डर लिया जाता है और कैसे जो है कस्टमर लोकेशन तक ऑर्डर को डिलीवर किया जाता है। एंड दोस्तों आप लोगों को बताया मैंने जो है कैसे ऑनलाइन होया जाता है, तो सारा कुछ प्रोसेस आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताया, एंड होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई और दोस्तों आपका जो है डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अभी और आगे ऑर्डर लेने वाला हूं। बस दोस्तों ये टॉपिक हमारा यहीं तक था, अब वीडियो को आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूं मैं, इस टॉपिक को दोस्तों यहीं पे एंड करता हूं और मिलता हूं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।